मित्रों, पिछले दिनों सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तीन परीक्षाओं को हमें निरस्त करना पड़ा है। एक सब इंस्पेक्टर की, एक जूनियर इंजीनियर की, एक फाइनेंशियल असिस्टेंट या अकाउंट असिस्टेंट्स की। शिकायतें आई थी, एक उच्च स्तरीय समिति, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो होम है उनकी अध्यक्षता में बनी थी। जांच में पर्याप्त प्रमाण पाए गए कि इसमें गड़बड़ी की गई है। अभी तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं पूरी पारदर्शी तरीके से हुई, कोई और आधार नहीं रहा है। योग्यता के आधार पर ही लोगों को नौकरी मिली है। वो जमाना लद गया जब जम्मू कश्मीर में दुकान पर नौकरी मिला करती थी, कुछ लोगों को नौकरी दिया करते थे। और जब यह शिकायत आई, जांच कराई गई और प्रमाण मिले तो उन तीनों परीक्षाओं को निरस्त किया गया है और जांच सीबीआई को दी गई है। मैं आप सबको ये बात कहना चाहता हूं कि जांच इसीलिए सीबीआई को दी गई है कि जिन लोगों ने हिमाकत की हमारे युवा बच्चों का भविष्य बिगाड़ने की, हमारी पीढ़ी को गुमराह करने की, वो तो जेल के सलाखों के पीछे होंगे ही, कानून अपना काम करेगा ही, कठोर से कठोर सजा उन्हें मिले। जहां ये भी हम सुनिश्चित करेंगे, वहां ये भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये तीनों परीक्षाएं आने वाले अक्टूबर माह में, उस प्रक्रिया में तेजी से हम सब काम कर रहे हैं, करके उन बच्चों को जल्दी से जल्दी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। जो भी रिक्तियां हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले महीनों में विज्ञापित करके 6 महीने में, आज की तारीख में जो खाली पद हैं 6-8 महीने में भर दिए जाएं, इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र के तहत, जिन लोगों ने इस काम में पैसे का उपयोग किया, जो लोग इसके पीछे रहे, वो अनावश्यक नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भरोसा देना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में बेईमानी नहीं करा सकती है। जिसको योग्यता है, जिसको मेरिट है, उसे नौकरी मिलेगी। ये निहित स्वार्थी लोग जो चाहते हैं कि पहले वाला जमाना फिर आ जाए, योग्यता को मेरिट को फिर से नकारा जाए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नौजवान मित्रों, यहां से जाओ तो जहां नशे के खिलाफ अभियान चलाना है, वहीं इन लोगों के खिलाफ भी अपने घरों में जाकर के कहो कि ये कुछ लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं जो इसके आदि रहे हैं कि घर बैठे बिना पढ़े नौकरी पाते रहे हैं, फिर वही व्यवस्था ये लाना चाहते हैं। जब तक मनोज सिन्हा हैं, जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार ये व्यवस्था नहीं आ सकती है। यही भरोसा देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।